हाँ आरिफ अंकल, तो ये हमें मिल गया फाइनली। मैंने आपसे कहा था ना जी जी, एक जहाज जो आज से 35-40 साल पहले क्रैश हुआ था, जो क्रैश की लोकेशन है उसमें मैं आपको ले चलूंगा, वो सामने ऊपर है, वो जो आपको नजर आ रहा है ना मुझे, उसको डन्नी बोलते हैं जी जी। तो इस डन्नी के ऊपर पीछे वो वन लैंड किया था, कोशिश की पायलट ने बड़ी, आते 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 आगे एक पत्थर था उससे टकरा गया, और वो जो पत्थर आपको नजर आ रहा है ना जी, उस पत्थर से भी टकरा के नीचे आता गया आता गया, इधर हमारी एक जगह ही आगे डाला, वहां आके वो जला भी, जलाया गया भी। तो ये 15-20-25 साल लोगों ने छोटे छोटे इसके पीस करके अपने टारों के आगे वो दरवाजे शरवाजे ये बना लिए। अच्छा, तो ये इंजन का पार्ट है, घर में रखे ना, ये उसका एक बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है, इंजन का एक पोर्शन है, आज से 5-6 साल पहले जब मैं फैन का है, मुझे लगता है मेरी फैन का होगा, जो 5-6 साल पहले मैं आया था ये वहाँ डूब रहा था, थोड़ा सारा पोर्शन था खाली, मैंने इसको निकाल के वहाँ रखा था। चलिए वहाँ से यहाँ तक आके आपकी बात, ये प्रूफ हो गया ना कि कोई जहाज क्रैश हुआ था, फाइनल ये इंजन का एक पोर्शन है। चलो चलते हैं अब आगे ट्रैक की ओर, ये ट्रैक लंबा है बहुत। हाँ चलिए चलिए चलते हैं अमीन साहब।